पंचायत बासगांव से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी अमरजीत सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। हत्या के प्रयास के आरोप में दो अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बासगांव के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के कुशल निर्देशन में उप निरीक्षक नित्यानंद पांडे मैं हमराही कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार कांस्टेबल संतन यादव कांस्टेबल अमित कुमार तिवारी द्वारा मुकदमा संख्या 284/2022 धारा 504 506 307 323 भादवी थाना बासगांव से संबंधित अभियुक्तगण अरविंद पुत्र भोला निवासी धनौड़ा बुजुर्ग थाना बासगांव जनपद गोरखपुर व गोविंद पुत्र भोला धनौड़ा बुजुर्ग थाना बासगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या के बासगांव समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत बाहर से दवा लिखने से मरीज परेशान। बासगांव समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत बाहर की दवा ज्यादातर लिखी जा रही है, जिससे मरीज परेशान है। दूसरी तरफ शासन द्वारा दवाओं की उपलब्धता हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराई गई है, परंतु डॉक्टर के मनमानी के चलते मरीज खड़ा महसूस कर रहे हैं। बताते चले मरीजों तो दवा खरीदने के लिए बाहर मेडिकल स्टोर से महंगे दामों पर दवा खरीदने को मजबूर हैं। डॉक्टर साहब तो दिखाऊंगी, डॉक्टर साहब तो दिखाऊंगी आप रोज। दवाई मिल जाए हॉस्पिटल से कि बाहर से खरीदे पड़ब? बाहर से खरीद मतलब दोनों दवाइयाँ खरीदे पड़ब, अंदर बाहर दोनों। बासगांव समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में महिला मरीजों की संख्या बढ़ी। बासगांव समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत महिला चिकित्सक न होने से महिलाओं की समस्याओं के लिए महिलाओं तो बाहर जाना पड़ता था, परंतु महिला चिकित्सक के आ जाने से महिलाओं की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। महिला चिकित्सक ने बताया कि पहले से स्थिति बेहतर है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से लेते अन्य जरूरी कामों के लिए दर दर भटकने को मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। महिलाएं इससे काफी खुशी में है। आइए जानते हैं कितनी महिला मरीज रोज आ जाए। फिलहाल पहले से तो जरूर हमें बोलूंगी कि जैसे पहले से थोड़ा सा पेशेंट लोड बढ़ा हुआ है, महिला काफी आ रहे हैं दिखाने के लिए। लोग तो डिपेंड कर रहे हैं कितना है, लेकिन हाँ है कम से कम 30-35 मरीज आ ही जा रहा है। छह दिनों से बेटी लापता पिता लगा रहा बासगांव पुलिस से दुहार। बासगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बेटी जो छह दिनों से लापता है, जिसको लेते उसके पिता ने बासगांव थाने में तहरील देकर खोजने की मांग किया, परंतु अब तक बासगांव पुलिस ने उनकी बेटी को ढूंढ नहीं पाई, जिससे वो परेशान है। आइए जानते हैं क्या था। क्या नाम है आपका? राम। क्या मामला है? हमारे 16 साल की लड़की है, गाँव की बाल किशन, पत्नी उनकी राधा देवी ज्योति मिलकर के हमारी लड़की को हटा दी अपने लड़के के साथ बाला फुसला करके। थाने में तहरीर दिए हैं? थाने में तहरीर दिए हैं 21 तारीख को, आज 25 तारीख हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लड़की मिली आपकी? नहीं मिली। विद्युत उपकेंद्र से टपटता है पानी, मशीनों तो है खतरा। बासगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र की हालत बद से बदतर हो रही है। यहाँ पर मशीनें लगी हैं, सारी व्यवस्था है, परंतु भवन काफी जर्जर है। कोई भी बारिश की बूंद होती है तो सीधे अंदर मशीनों पर ही गिरती है। लोग बाल्टी लगा के पानी से रोटते हैं, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में जब वहाँ पूछा गया तो वहाँ मौजूद ऑपरेटर ने बताया कि इस भवन की मरम्मत न होने से इसकी हालत बेहद खराब है। इस छत के नीचे से तो कैसे बचाव किया जाता है? बचाव से वहाँ जब नीचे से पानी गिरता तो हम लोग बाल्टी रख लेते हैं, वैसे हमेशा खतरा बना रहता है बारिश के मौसम में, लाइन लगाने को हमेशा दिक्कत बना रहता है। बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है बासगांव समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। बासगांव समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए साधन मौजूद है। दवाइयां और ब्लीचिंग पाउडर भी पूरी तरह से है, जिनको आशाओं के माध्यम से छिड़काव कराया जा रही है। जिस समस्या को लेकर वहाँ छिड़काव या व्यवस्था के लिए क्या तैयारियाँ रखते हैं? ये तो ब्लॉक से होता है,
कभी चिकित्सक जाते हैं दवा बांटते हैं? नहीं नहीं, उसके संबंध में जो क्लोरीन की गोली है और ब्लीचिंग पाउडर है, ये सब तो जो यहाँ से उपलब्ध रहता है उस गांव में आशाओं को उपलब्ध करा दिया जाता है कि हर घर जो है ब्लीचिंग भी देते हैं नल में डालने के लिए, प्लस क्लोरीन की गोली देते हैं पानी में डाल के पीने के लिए। लेकिन और जो छिड़काव होता है वो तो ब्लॉक से ही होता है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिंधा में तहसीलदार बासदौ ने बच्चों को पढ़ाया अंग्रेजी का पाठ। बासदौ विकास खंड में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर तहसीलदार संदीप त्रिपाठी अचानक पहुंचे, बच्चों से बातचीत, उनका हालचाल लिया। उसके बाद बच्चों के क्लास में अंग्रेजी का पाठ पढ़ाया, साथ ही बच्चों का आईक्यू लेवल भी चेक किया। उन्होंने बेहतर शिक्षा दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। अगल बगल जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, आर ऑल द टीचर्स। हरिहरपुर बायोगैस प्लांट का निरीक्षण DPRO हिमांशु शेखर द्वारा किया गया। बासदौ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में बन रहे बायोगैस प्लांट का निरीक्षण DPRO हिमांशु शेखर द्वारा किया गया। उनके द्वारा वहां पर रखे बैरिकेटिंग और फेसिंग के तारों की भी जांच किया गया। उन्होंने बताया कि मानक और गुणवत्ता के अनुसार ही काम कराया जाए। बताते चले कि हरिहरपुर में बन रहे बायोगैस प्लांट को लेकर काफी दिनों से योजनाएं चल रही, परंतु अब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। बताते चले कि इसी जगह पशु आश्रय केंद्र बनाया गया है, जहां पर पशुओं को रखने की व्यवस्था की गई है और यहीं गैस प्लांट का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना के काल में आयुष चिकित्सकों का योगदान काफी सराहनीय रहा। बासदौ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर JP वर्मा ने बताया कि आयुष चिकित्सकों का योगदान काफी ज्यादा रहा। लोग कारण उनकी कलयुग और प्राणायाम से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के कोरोना जैसी बीमारी से बचे। आइए जानते हैं क्या कर रहे हमें। ये मान के चलिए कि 100% लाभ है। पहला है कि जब भी देखिए हर किसी को हम सैनिटाइजर जरूर यूज कराए, लेकिन काढ़ा ज्यादा पिलाए, ठीक है, काढ़ा पीने में काम हुआ है। योगा कराए हैं, मैक्सिमम एक्सरसाइज कराने के लिए बोले हैं, ये सब उसी का पार्ट है। फिर जो है इसमें काढ़े के साथ साथ कुछ बट्टी वगैरह भी आई थी आयुष की, उन लोगों को भी दिया गया है, तो काफी लाभ मिला है। कोरोना के मरीजों को बहुत लाभ मिला। कड़ीराम में राजेश सिंह राजन के नेतृत्व में बांटी गई मिठाई। कड़ीराम गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बनाए जाने पर भाजपा किसान मोर्चा के नेता राजेश सिंह राजन के नेतृत्व में कौड़ीराम चौराहे पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा जिला महामंत्री किसान मोर्चा राजेश सिंह राजन ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में लोकप्रिय पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी कार्यकर्ताओं में काफी लोकप्रिय है। एक जमीनी स्तर के नेता को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इस मौके पर डब्लू राय, प्रभुनाथ त्रिपाठी, संपूर्णानंद त्रिपाठी एवं कौड़ीराम व्यापार मंडल रजिस्टर्ड अध्यक्ष विनय सेठ, महामंत्री अजय प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष अजय पांडे, कोषाध्यक्ष अमन वर्मा आदि लोगों ने बताया। उपनगर गोला के VSAV इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ विधायक राजेश त्रिपाठी का अभिनंदन समारोह। गोला गोरखपुर। बच्चे ही भारत के भविष्य हैं, इनके ऊपर देश, परिवार, समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। इनको बनाने संवारने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विद्यालय परिवार को हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हर संभव मदद करने को तैयार हैं। उक्त बातें मुख्य अतिथि चिल्लुपार विधानसभा के विधायक राजेश त्रिपाठी ने उपनगर गोला के VSAV इंटरमीडिएट कॉलेज परिवार द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल तिवारी, सत्यव्रत तिवारी, युवा नेता साहिल विक्रम तिवारी सहित आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम मिश्र ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। संचालन शिक्षक डॉक्टर देवेंद्र यादव ने किया।
प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षक संकुल की आयोजित हुई मासिक बैठक गोला गोरखपुर। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परिषदीय बच्चों के न्यूनतम शैक्षिक स्तर के लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको बेहतर ढंग से विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक कार्य करके प्राप्त किया जा सकता है। उक्त बातें गोला विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मद्राहा में आयोजित शिक्षक संकुल की मासिक बैठक के दौरान गोला के खंड शिक्षा अधिकारी बीओ मनोज कुमार सिंह ने कही। इस कार्यक्रम में शिक्षक संकुल हरे कृष्ण दुबे, विनोद कुमार सिंह, सुभाष सिंह, उपेंद्र यादव, नोडल शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में रमावती देवी, बिंदु सिंह, शैलेश, शशिकला, रीता, दीक्षित लोग मौजूद रहे। लेकिन आप उसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कितने बच्चों को वो टारगेट हमको अचीव कराना है और कितने बच्चों को बाद में कराना है, क्योंकि जो बच्चे कमजोर नहीं पढ़ रहे उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते वो किताब पढ़ना शुरू कर दे। उनपे आपको समय देना पड़ेगा, उनको साल भर मेहनत करना पड़ेगा, तब वो इस स्थिति में आ सकते हैं कि वो किताब पढ़ सकें।